थराली में स्थानीय युवाओं और वात्सल्य गौ सेवा समिति के सदस्यों ने पिंडर नदी में फंसी गाय का रेस्क्यू कर पशुपालन विभाग से घायल गाय का इलाज करवाया। इसके साथ ही आए दिन गौवंशों के साथ घटित हो रही इस तरह की घटनाओं का ठीकरा भी नगर पंचायत थराली के सर पर फोड़ते हुए कहा कि नगर पंचायत के गठन के बाद से ही थराली में गौ सदन या गौशाला बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की इस मांग को 2 वर्ष के बाद भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, जिसका नतीजा ये है कि गौवंश सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन भोजन की तलाश में कभी नालों में तो कभी गदेरों में तो कभी पिंडर नदी के किनारे भटकते हुए कई गाय तेज धारा में फंस जाती है। गौ सेवा समिति के युवा सदस्यों ने इस तरह की घटनाओं के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जो लाभ लेने के बाद इन पालतू पशुओं को बाजार में छोड़ देते हैं। थराली में आज 21 सितंबर 2020 को हम सभी गौ वात्सल्य समिति के लोगों ने और आसपास के हमारे सभी गौ भक्तों ने आज पिंडर नदी में बह रही गौ माता को रेस्क्यू करके यहाँ पर अभी हम गौ आश्रम में लेके आए हैं। सभी को शुभकामनाएं। पहले नगर पंचायत थराली की जो गौ आश्रम की स्थिति है वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। देखिए, भोजन मिलने से सब कुछ नहीं होता, गौ की रक्षा करनी भी बहुत आवश्यक होती है, साफ़ सफाई भी बहुत आवश्यक होती है, घास भी बहुत आवश्यक होता है। देखिए, हरे के साथ सूखा भी चलना चाहिए। और हमारी गायियाँ नदी में खुले आम बह करके हमारे ही नगर पंचायत थराली में बह जा रही हैं और इतने कष्ट प्रदी हो रही हैं, तो इस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है। हम नगर पंचायत थराली से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि वो अगली बार ऐसा कुछ कृत हो तो उसमें जरा ध्यान से और सूझबूझ के साथ कार्य करें। इन लोगों ने गाय को रेस्क्यू कर बाजार के बीचों बीच कंधे पर ले जाते हुए नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाय का रेस्क्यू करने वाले युवाओं का रोष नगर पंचायत के प्रति इसलिए भी था क्योंकि नगर पंचायत को सूचना देने के बावजूद भी नगर प्रशासन राहत और बचाव कार्य के लिए समय से मौके पर नहीं पहुंच पाया। यहीं के कुछ नवयुवकों ने मिलकर के नगर पंचायत थराली में वात्सल्य गौ समिति नाम से एक छोटा सा गौ रक्षा के लिए एक संगठन बनाया है, लेकिन आज तक सैकड़ों बार मैं नगर पंचायत को इस बात बारे में मौखिक और लिखित रूप से संज्ञान दे चुका हूं कि हमें एक गौशाला की सख्त आवश्यकता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया है। और इसी रूप से सदा ही मैं देख रहा हूँ कि नगर पंचायत थराली में गाय अनेकों रूप से पीड़ित है। वात्सल्य गौ रक्षा समिति वाले सदस्यों को पता चला कि एक गाय नदी में बह रही है, एक मच्छी मारने वाले भाई ने उसको पकड़ करके किनारे लगा दिया, तो घायल गाय जो है काफ़ी घायल अवस्था हुई थी और काफ़ी उपचार के बाद भी वो अपने में खड़ी नहीं हो पाई, अभी उसको अंदरूनी काफ़ी चोट आई है। हम लोगों ने काफ़ी जो गौ भक्त हैं और अन्य लोग जो काफ़ी लोगों ने हमें सहयोग दिया है इस मामले में, और कई लोग जो हैं जहाँ तक जो हमारी गौशाला बना रखी है बगल में जहाँ तक आने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है। नगर पंचायत से हमें यही शिकायत है कि वक्त रहते हुए हमने उनको कई बार सूचना देते हुए उनके जो है गाड़ी लेने नहीं आई, ना उन्होंने हमें कोई इस तरह की व्यवस्था प्रदान की कि जिससे हम घायल गाय को जो है यथास्थान पर या उसको ट्रीटमेंट दे सके। गौ संरक्षकों का कहना है कि नगर पंचायत के चुनाव हुए 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन नगर प्रशासन न तो आवारा पशुओं पर लगाम लगा सका है और न ही इन मूक पशुओं के लिए अब तक किसी तरह की कोई गौशाला बना पाया है। संवाद 365 के लिए थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।